गाइस वेलकम टू माय चैनल. आई एम पूजा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ब्लूम वाइब्स. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी और हर्बल टीज के बारे में. सो ग्रीन टी और हर्बल टी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन उन्हें पीते रहें. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रीन टी और हर्बल टी पीने का सही टाइम क्या है और वर्स्ट टाइम क्या है. तो फ्रेंड्स, वीडियो की लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ग्रीन टी और हर्बल टी पीने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, ग्रीन टी और हर्बल टी दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है. दोनों डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई जाती है. इनकी प्रिपरेशन, टेस्ट और मेडिसिनल यूजेस भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन की. सो फ्रेंड्स, टी बेसिकली कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट की पत्तियों से बनाई जाती है. इस प्लांट की दो वैरायटी से, एक चाइना में मिलती है और दूसरी इंडिया में. चाइना में जो प्लांट है उससे ग्रीन टी और वाइट टी बनाई जाती है, और इंडिया में जो इसकी वैरायटी मिलती है इससे ब्लैक टी और उलोंग टी बनाई जाती है. सो हर्बल टी कहाँ गई? तो फ्रेंड्स, हर्बल टी टीज में काउंट ही नहीं होती है, क्योंकि ये टी प्लांट से नहीं बनती है, बल्कि ये हर्ब्स, ड्राई फ्रूट, फ्लावर और स्पाइसेस से बनती है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास गुड वाइब्स की दो टीज है, एक हर्बल टी है और एक ग्रीन टी है. सो ये ग्रीन टी है और ये हर्बल टी है. सो ग्रीन टी में मेरे पास है मिंट एंड लेमन ग्रास. सो फ्रेंड्स, इन टी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको नेचुरल फॉर्म में मिलती है. इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं. इनमें जो इंग्रेडिएंट है इनको ड्राई करके एज इट इज इसमें स्टोर किया जाता है. ये आपको ड्राई फॉर्म में मिल जाती है और इसमें बहुत सारे फ्लेवर और इंग्रेडिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे इजीली. सो जो मेरी फेवरेट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, तो जाके आप बाय भी कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इन्हें बनाने का सही तरीका क्या है. तो सबसे पहले हम ग्रीन टी बनाएंगे. तो फ्रेंड्स, आप देखिए ये ग्रीन टी कितनी नेचुरल है. देखिए इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है. दैट्स व्हाई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप देख सकते हैं. सो ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बॉयल वाटर और ग्रीन टी और लेमन और हनी. मीडियम वार्म वाटर लेना है आपको इसमें. उसके बाद आपको इसमें 1 स्पून ग्रीन टी ऐड करनी है, और ग्रीन टी ऐड करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देना है. उसके बाद आपको इसको छान लेना है. 2 या 2 से 3 मिनट से ज्यादा आपको इसको नहीं रखना है, नहीं तो ये थोड़ी बिटर टेस्ट करेगी. तो फ्रेंड्स, इसकी पत्तियों को हम बॉयल नहीं करते, क्योंकि ग्रीन टी बनाते समय इन्हें भाप में पकाया जाता है. इसलिए आपको इसे मीडियम बॉयल पानी में 2 से 3 मिनट छोड़ना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी पीने के लिए. प्लीज इसे बॉयल ना करें, नहीं तो इसके सारे न्यूट्रिशंस जो है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे और वो टेस्ट में भी बहुत ही कड़वी हो जाएगी. जब आप चाय छान लेंगे तो इसमें आप लेमन और हनी भी ऐड कर सकते हैं. तो चलिए हर्बल टी बनाना स्टार्ट करते हैं. तो हर्बल टी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप वाटर एंड हर्बल टी. सो हर्बल टी को फ्रेंड्स आपको पानी में थोड़ी देर खोलाना है और 5 मिनट के लिए उसको ढक देना है, और उसके बाद छान कर आप इसे पी सकते हैं. इसका टेस्ट ग्रीन टी के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि ये हर्ब्स और ड्राई फ्रूट, फ्लावर और स्पाइसेस से बनी होती है. फिर भी अगर आपको ये थोड़ी सी कड़वी लगती है तो आप टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए इसमें थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आपको खोलते हुए पानी में हनी नहीं मिलाना है. जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, मतलब बहुत ही गुनगुनी टाइप हो जाए, तब आपको इसमें हनी ऐड करना है. अगर आप बॉयल वाटर में हनी ऐड करते हैं तो वो आपकी बॉडी को बहुत हार्म करता है. बट फ्रेंड्स, इन दोनों टी का अपना एक फ्लेवर होता है, तो अगर आप इसमें कुछ नहीं ऐड करते हैं उसके बाद पीते हैं तो भी ये बहुत टेस्ट में अच्छी लगती है. आप इसे अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करना स्टार्ट करेंगे सो आपको इसके टेस्ट की हैबिट हो जाएगी. कुछ चीजें टेस्ट में अच्छी नहीं होती हैं, मगर अगर उनके बेनिफिट ज्यादा हैं तो हमें उनको अपनी लाइफ में जरूर लेके आना चाहिए. तो चलिए बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ड्रिंक ग्रीन टी और हर्बल टी. इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्रीन टी और हर्बल टी किस समय आपको नहीं पीनी चाहिए, और 1 डे में आप कितनी बार ग्रीन टी और हर्बल टी पी सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, ग्रीन टी और हर्बल टी हमारी ट्रेडिशनल टी के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन ग्रीन टी और हर्बल टी ही पीते रहें. सो ग्रीन टी और हर्बल टी का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको उसे सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में कंज्यूम करना जरूरी है. स्टडीज के अकॉर्डिंग हमें ग्रीन टी मॉर्निंग में और वर्कआउट से पहले पीनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, अगर आप मॉर्निंग में कॉफी के यूज टू हैं और आप ग्रीन टी पे स्विच करना चाहते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, मगर कॉफी के कंपैरिजन में कम होता है.
ये आपके मूड को इम्प्रूव करेगा और कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इन्हांस करेगा। और अगर आपका मोटिव वेट लॉस है तो आप इसे वर्कआउट से पहले पीजिए, ये आपके वर्कआउट के दौरान आपका फैट बर्न करने में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, ग्रीन टी आपको कब नहीं पीनी चाहिए, तो ग्रीन टी आपको नाइट में और आफ्टर मील कभी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप खाने के बाद ग्रीन टी पीते हैं तो आपके खाने में जो न्यूट्रिशंस है, आयरन और कॉपर, इन्हें ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं और इनके प्रॉपर बेनिफिट आपको नहीं मिल पाते हैं। तो आपको सोने से पहले भी ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रीन टी में कैफीन होता है। सो अगर आप सोने से पहले कैफीन लेते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगी और आपको एक अच्छी नींद नहीं मिल पाएगी। इसके साथ फ्रेंड नाइट में ग्रीन टी पीने से आपको एंजाइटी और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो चलिए बात करते हैं हर्बल टी पीने का सही टाइम क्या है और किस समय हमें हर्बल टीज नहीं पीनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर्बल टीज ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, फ्लावर और हर्ब से बनती है। सो इनमें मिलने वाले हर तरह के हर्ब्स, फ्लावर, स्पाइसेस लेने का अलग अलग टाइम होता है। तो मॉर्निंग में आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, तो मॉर्निंग में हम तुलसी और सिनेमन का यूज कर सकते हैं। तो सिनेमन और तुलसी वाली ग्रीन टी मैंने अभी बनाई थी, तो आप मॉर्निंग में उन्हें पी सकते हैं, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। हर्बल टीज को आप आफ्टर मील भी ले सकते हैं। आफ्टर मील हर्बल टी लेने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। सो डाइजेशन के लिए आपको लेमन ग्रास, जिंजर और मिंट की हर्बल टीज लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हर्बल टीज कैफीन फ्री भी होती हैं, सो आप इसको बेड टाइम पे भी ले सकते हैं। तो सोने से पहले हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स, काम करना होता है, तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट हर्बल टी है नेटल, कैमेमाइल और लेवेंडर, जो हमारी बॉडी को काम एंड रिलैक्स करती है, जो आपको एक अच्छी नींद आने में हेल्प करेगी। चलिए अब जान लेते हैं हर्बल टी और ग्रीन टी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ग्रीन टी हमारे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, वेट लॉस में हेल्प करती है और हमें बहुत सारे डिसीज से भी बचाती है, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और अगर आप इसे मॉर्निंग में पीते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है और पूरे दिन आपको एनर्जेटिक फील कराती है। तो चलिए बात करते हैं हर्बल टीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, हर्बल टीज की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है और हमारे डिसबैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये आपकी एजिंग को भी कम करती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। मेरी न्यू वीडियो के टॉपिक और अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टा आईडी नीचे से हो रही होगी और मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दिया, तो आप उस पर क्लिक करके मेरी इंस्टा पेज पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।